Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel and काफ़ी अर्से बाद I'm back again. आज मैं बड़ी सुबह जल्दी जल्दी उठा हूँ एक टेंशन की वजह से, जबकि एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी लेकिन वो टेंशन है. तो वो टेंशन क्या है मैं बताता हूँ. आई जस्ट बॉट दिस ड्रोन yesterday और आई टुक अ फर्स्ट फ्लाइट इन इस्लामाबाद. लेट मी शो यू माई ड्रोन. सो इट्स अ DJI Spark फ्लाई मोर कॉम्बो वर्जन विद द टू बैटरीज एंड कंट्रोलर. And let me show you. Okay, it's too small. काफ़ी छोटा सा है ये ड्रोन. मैंने कल इस्लामाबाद से ख़रीदा है और इस्लामाबाद में मैंने इसको पहली बार फ्लाई किया है. इट वॉज़ अ ग्रेट फ्लाइट. लेकिन अभी जो मसला हो चुका है और टेंशन की बात है वो ये है कि जब मैं वापस घर लाया माई फैमिली वर सो एक्साइटेड कि इसको चला के दिखाओ और मैं भी जज्बात में आ गया. मैंने इसको इनडोर स्टार्ट कर दिया. जब मैंने इसको इंडोर स्टार्ट किया सबसे बड़ी गलती मेरी लाइफ की हुई मुझसे. इंडोर स्टार्ट करने के बाद ये खुद ही, क्योंकि यहाँ पे इनका GPS काम नहीं करता, मैंने बाद में वीडियोस में देखा और फिर काफ़ी सारी वीडियोस मेरे सामने खुद आ गई. मैं समझा पहले क्यों नहीं आई ये सब वीडियोस, लेकिन फिर सारी वीडियोस मेरे सामने आ गई कि भाई आपको इंडोर फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए. सो ये जब ऑन किया मैंने इट जस्ट टुक ऑफ. कुछ वीडियोस देखी जिसमें गिम्बल ख़राब हो जाते हैं और जिसमें सेंसर काम करना छोड़ देते हैं. सो मुझे रात को टेंशन हो गई और मुझे सही रात नींद नहीं आई. मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा था जैसी सुबह मैं उठ रहा हूँ उसको उड़ाऊँ और इसको कंफर्म करूँ कि ये ठीक है कि नहीं है. सो जाते हैं ऊपर. अब इंडोर नहीं उड़ाएंगे, अब इसको ऊपर जाएंगे उड़ाएंगे. कितना चार्ज है? ओ इसमें चार्ज कम है. दूसरी बैटरी चेक करते हैं. चार्ज या इट्स 75% चार्ज. अगर फुल होती तो 4 पॉइंट दिखाते हैं. तो ये लगाते हैं. ओ इस मोनोपॉड को मैं तकरीबन 2 महीने बाद हाथ लगा रहा हूँ और गोरिल्ला पॉड सॉरी और इस पर टेस्ट देख सकते हैं. फ्लाई मोर कम्बो वर्जन में आपको इसके साथ प्रोपेलर गार्ड्स मिलते हैं जो कि मैं रात को एक्साइटमेंट में लगाना भूल गया और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई. तो अगर आप पहली बार ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं तो प्रोपेलर गार्ड्स के बगैर नहीं उड़ाना और दूसरा इनडोर कभी भी नहीं. इसके गार्ड्स लग गए और अब जो है इसके रिमोट कंट्रोलर को जो है मोबाइल के साथ कनेक्ट करना. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट करते हैं. सिंगल प्रेस एंड देन होल्ड. फ़ैन की आवाज़ स्टार्ट हो गई है शायद आपको आ रही हो. ओह यस, यहाँ पे ये रेड लाइट दे रहा है. जैसे ही इसके साथ कनेक्ट होगा तो ये ग्रीन लाइट में कनेक्ट हो जाएगा. तो ये ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है. ओ हो गई तो नॉट कनेक्टेड. ठीक है, वेदर इज़ क्वाइट गुड. हवा बहुत ज़्यादा है और ये सो मैंने काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ था. लाइन गिम्बल स्टेबल. गिम्बल स्टेबल है बिल्कुल. विजन सिस्टम में लगा है. विजन सिस्टम है दोनों और विजन सिस्टम में जो है लाइट सम हाइट. गिम्बल इज वर्किंग. तो यार लैंड करा ली हमने इसे और अभी भी अचानक इस पर एक चील आ गई थी तो उसको कुछ घबराहट हुई, वो इसके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई. अच्छा है कि ड्रोन नज़दीक था तो मैंने इसको वापस उतार लिया और इट सेफली लैंडेड. और गिम्बल सही चल रहा है और स्टेबिलिटी सही है. बहुत ज़बरदस्त किस्म का ड्रोन बना है. इसकी क्वालिटी यार काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है. मैंने अभी तक चेक की जो भी, तो आप लोग भी देख ली होगी. सो अभी इसके और ऑप्शन और गेस्चर चेक करेंगे जाके. उसके लिए मैं एक फ्रेंड को बुलाऊंगा और फिर उसके साथ हम ज़रा कहीं बाहर जाएंगे, वहाँ जाके किसी अच्छी जगह पर जाकर उड़ाते हैं ताकि. ओके सो इट्स Day 2 और कल हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मैंने फ्रेंड कॉल की, उन्होंने कहा यार हम नहीं आ सकते तो मैंने ड्रोन नहीं उड़ा सका क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और रिस्क नहीं लिया. तो अब हम आए अवैस की तरफ. अवैस की तरफ हमने एक बारबेक्यू प्लान किया नेक्स्ट डे आज. तो यहाँ पर अब ड्रोन भी उड़ाएंगे
और अब ऐसा अकेला था पढ़ रहा था, हमने कहा वो तुम्हें थोड़ा सा चिल कराते हैं। कोयले कहाँ से मिलेंगे? कैनाल से एनजी है, उसके साथ एक दुकान है पहली। क्या गलत बातें तुम कर रहे हो? तुमने क्या बोले? मैं घर के बाहर निकला हूं। तुमने अभी क्या बोले कि यू लव योर कंट्री? आई लव माय कंट्री, इट्स द गवर्नमेंट अनअपडेट ऑफ। तुम बात करते वक्त में शर्म नहीं आती यार ऐसी बातें करते हैं? हाँ मिल गए, मिल गए। हाँ अरे डीएचए से आए हैं ना अभी, तुम्हारे पीछे आए हैं कि तुम गलत जगह यार। तुम्हें टिकट्स नहीं है गाड़ी पार्क करने की, रोड पे तुमने कैसे खड़ी की हुई है? मानते हैं तुम्हारे पास पैसे हैं लेकिन अब रोड तो तुम नहीं खरीद सकते ना। जाओ आगे जाके साइड पे लगाओ। आप जमदम लाए हुए हो साथ के, अंदर पी रहे हो बाहर नहीं निकालते, कौन सा पानी है? आप हयात है, आप हयात है। समझ भी जाता कि ये सच बोले लेकिन ये स्टिकर ये स्टिकर देना पूरा मतलब है ये स्टिकर। ओ मेरा थोड़ा पानी पड़ा, वाइपर गिर के फट गया। वाइपर दो ग्लासेस टॉम क्रूज की पहनी हुई है वाइपर। इतना मैंने एक महीने में स्टेबल से नहीं खाया। पिज़्ज़ा सॉस। अवैध के पास इतना कुछ है खाने को यार, इतना कुछ। इस टेबल से किसका उठने का दिल चाहेगा? अच्छा मिले हमारी शेफ से, शेफ समरी। और दूसरी कौन है? ये महम, महम खान स्वाती। स्पेशलिटी ये है कि बहुत बहुत अच्छे से लगा। हम क्या पका रही है? शुरू में किसी को चॉकलेट पसंद नहीं होता, हम लोगों को उल्लू बनाना है। आज हम बनाने वाले हैं उल्लू। उल्लू उल्लू कहाँ है इमाज? हाँ तुम्हें काट के बनाएंगे। ओके ओके ओके, हाँ 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 टर्न हो जाए, चले पोज। गाइस ये हमारे टमेटो, अब ये हमने तो यूएस से मंगवाए हैं, हमने कस्टम चार्जेस वगैरह यू नो द ब्रांडेड थिंग्स, लेकिन आप चाहे तो आप लोकल भी ले सकते हैं, मे भी मिलते हो कहीं आस पास। आप समीर आपने आग लगा दिया, मैंने कितना सुखा आग लगा दिया, कितना सुखी घर बचाया आप देख सकते हैं। क्या एक लड़का मर्द ऐसा घर बसाया, ठीक है किसी चीज की कमी नहीं है यहाँ पे। इतना सारा गन अब हमने सफा करना। इमाद, इमाद तुम हमारी हेल्प करोगे ना इसमें?
अलहमद आप बर्तन धोएंगे या आप झाड़ू लगाएंगे क्या करेंगे बर्तन ड्राइवे कौन साफ करेगा ये साफ करेगा नहीं मैं तो जा रहा हूँ मुझे लेट है मुझे बहुत ज्यादा लेट है और मुझे कॉल भी बोल रहा है अपने फैंस के लिए कुछ भी क्या झाड़ू भी अच्छा दिन गुजरा यार वैसों के साथ और अब बस हम जाएंगे घर और आज के दिन ख़त्म करेंगे तो अब ऐसे मिल के जाएंगे अपना ड्रोन और इनको संभालना ज़्यादा ज़रूरी है तो ये सब चीज़ें उठा के गाड़ी में रखेंगे और फिर इमाद मुझे ड्रॉप करेगा लेट्स फाइंड आउट तो बाहर खड़े अल्लाह हाफिज करो अल्लाह हाफिज तुम नजर भी नहीं आ रहे अल्लाह हाफिज स्पेशल क्रेडिट टू इस भाई अच्छा थैंक यू सो मच चलो यार थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज